बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी डिशेस। मैं आपका नज़ीर आज आपके लिए लेके आई हूँ मटर और चिकन का पुलाव। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर पे क्लिक करके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो एक मैंने बर्तन लिया है, पैन को मैंने प्री हीट कर लिया। इसमें हम आधा कप के जितना ऑयल डालेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून सब्ज मिर्च है, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून जो है वो नमक की है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरे की है। पैन हमारा जो है ऑयल प्री हीट हो गया। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो जो है वो मैंने मटर लिए हैं। मटर और चिकन वाला पुलाव बना रहे हैं। प्याज हमारे अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जीरा शामिल कर दूंगी। हल्का सा बस हमने लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा जो प्याज की तरह है उसको कलर नहीं देना। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन हमारा जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अच्छे से हम इसको ब्राउन कर लेते हैं, भून लेते हैं। साथ ही इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और आधी सब्ज़ मिर्च जो है वो अभी हम ऐड करेंगे और आधी सब्ज़ मिर्च हम मटर के साथ ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छे से जो है वो भून गया। अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर दूंगी। मटर मैंने जो आधा किलो मटर लिए थे उसमें से जो निकले हैं मटर वो मैंने मटर लिए हैं, तकरीबन एक पाव से भी कम बनते हैं। अच्छी तरह मटरों को भी हम भून लेते हैं। मटर जब भून जाएंगे और गोश्त, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी भून चुका है और गल चुका है, मटर भी हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1 लीटर से कम मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और इसको ढक के रख देते हैं उबाल आने तक। फिर जब उबाल आता है फिर चावल शामिल करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखे हमारे चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं। मटर और चिकन वाला पुलाव बनाना बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। आपके घर में जो अमूमन चीज़ें होंगी उन्हीं से बन जाएगा। अजाने हो रही थी इसलिए मैं ना चावल डालने की वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने सिर्फ चावल डाले हैं। नमक चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह नमक पूरा था। सब्ज़ मिर्चें जो बची हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। अभी पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है, मैं मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम करूंगी, जिसको हम दम कहते हैं। दम लगाएंगे चावलों को और फिर आपको डिश आउट करके तो दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटर वाला पुलाव और चिकन वाला हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, साथ थोड़ी सी मैंने धनिया पुदीने की चटनी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में जुमान में रखे और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।